कि नरसिंह जी जब स्वीकृति पूरी शरणागति पूरी उसके बाद भी क्यों उन्होंने ठाकुर जी से बार बार कहा तू मायरु लेकर आ जा, सगारों का कर मायरु लेकर आ, वो तो कुछ मांगते नहीं है जैसे भगवान करते वैसे। लेकिन ये जब ही होता है जब नानी बाई की करुणा से नरसिंह जी का दिल पसीज गया कि मेरे को तकलीफ नहीं हो रही है लेकिन तकलीफ किसको हो रही है, नानी बाई को तकलीफ हो रही है, इसलिए उन्हें ठाकुर जी से अर्ज करी कि आप मायरा लेकर के आइए। उन्हें जरूरत नहीं थी, वो तो अपने सम्मान अपमान काहे का, वो तो तुम्बिया ले लेकर के ही जा रहे हैं, वो तो सूर्य स्वामी और हरजस गाते जा रहे हैं, उन्हें कोई अपमान का तकलीफ है क्या? उन्हें कोई अपमान नहीं लग रहा है, उन्हें तो बराबर लग रहा है कि हाँ ठीक है, जैसे हम तो ठाकुर जी का नाम लेने के लिए। सुदामा जी को सुशीला ने कहा था कि आप दिन भर जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण करते रहते, पर कृष्ण कभी आपका आता तो नहीं है और आप कितनी तकलीफ में हैं, लेकिन आप कभी अपने कृष्ण से कहते नहीं हैं कि है ना जरा आकर के अपनी गरीबी मिटा दे, कितने जीवन सब भूखे मर रहे हैं। लेकिन भक्त ने क्या कहा, सुदामा ने कभी अपने लिए उसको बुलाया नहीं। भक्त कभी भी अपने स्वार्थ के लिए आया, अपने मान अपमान के लिए आया, अपनी कामना के लिए, अपनी इच्छा के लिए कभी नहीं बुलाता है। केवल जब किसी की इच्छा होती है कोई पर पीड़ा के सामने देखने के, किसी को दुख होता है उसके दुख से उनका हृदय द्रवित हो जाता है और तब वो उनके संतोष के लिए करुणा करके ठाकुर जी को बुलाता है। जब सुशीला ने सुदामा जी से कहा कि अब जाइए क्या, मर जाएंगे क्या, आप मेरे कहने से आप अपने दोस्त अपने मित्र के यहाँ जाइए और जाकर आइए, तब सुशीला के कहने से सुदामा जी वहां पर गए और जा करके और अरज करी। तो अरज करी तो भी बहुत संकोच कि मैं ये नहीं कहूंगा, तो बोले आप मत कहिएगा कि मेरे को कुछ चाहिए, आप यही कहिएगा कि मैं तुम्हारे लिए भेंट लाया हूं। मित्रों के पास क्या ले जाते हैं, कुछ भेंट लेकर के, तो वो चावल के चार दाने लेकर के भेंट गए और ठेठ तक उन्होंने कहा नहीं कि मेरी गरीबी मिटा दो, उन्होंने नहीं कहा, तो भगवान ने भी कितनी चतुराई करी कि उसको वैसे के वैसे बना करके कपड़े और विदा कर दिया, उसको अनुभव नहीं होने दिया कि मैं तेरे लिए, उनको तो लगा माट्यो आयो और वो तो मैं जी का कपड़ा हाजी का ही पहरा और मैंने भेज दिया। तो वो सुदामा जी को लगा कि घनी सुशीला कहो कि जा थारो मित्र करसी, मेरा मित्र तो कुछ भी नहीं किया, इसको ही जब नहीं है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं लगा, बोले मैं तो जैसा जैसे कृष्ण नाम कर रहा हूँ वैसे कृष्ण 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 नाम मैं तो लेता रहूँगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुशीला को मैं क्या जवाब दूंगा, मैं उसके कहने से आया। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि भगवान काम भी करते हैं और अपना नाम भी नहीं करते हैं, ये एक ही भगवान के हाथ में ही ऐसी चीज है कि वो कभी भी अपना नाम श्रेय दूसरों को देते हैं, काम ये ठाकुर जी का जो कार्य कारज है ना ये बड़ा ही विचित्र है। मैं अभी इतने जने बैठे हैं तो मैं आपको कह रही हूं कि इसमें भी कहीं ना कहीं ठाकुर सुन रहा है, क्योंकि ये भक्त की गाथा है, ये हमेशा सुनिए, जैसे रामायण होती है वहां हनुमान जी होते हैं, वैसे जहां भक्त की गाथा होती है। और ये मेरा नहीं, भक्तमाल की कथा नाम सुना आपने, भक्तमाल नाभा जी ने लिखी हुई है, इतनी बड़ी भक्तों की कथा है। लेकिन सबने कहा कि भक्तमाल से नाभा जी को कहा गया कि भक्तों के अंदर का जब आपको मालूम नहीं पड़ता तो आपने उनकी कथा लिखी कैसे। सच बात कह रहे हैं, भक्तों से कहा गया, मैंने सुनी वृंदावन में, मैंने कहा जब भक्तों को मालूम भगवान मिले तो किसी को पता नहीं लगा, लिखा कैसे आपने। तब उन्होंने कहा कि नाभा जी ने कहा कि मैं भगवान का जस लिख सकता हूं लेकिन मैं भक्तों का यश नहीं लिख सकता, क्योंकि भक्त का अनुभव भक्त तक सीमित होता है, मैं कैसे भक्त की गाथा लिख देती हूं। तो भगवान से प्रार्थना करी और भगवान ने कहा जिस भक्त की तुम गाथा लिखोगे वह स्वयं भक्त तुम्हारी लेखनी में आकर के अपना अनुभव लिखा देगा, इसलिए वो भक्त की जितनी बड़ी कथाएं हैं वो सब स्वयं भक्त ने अपना अनुभव लिखा है। उसी प्रकार नरसिंह मेहता को जो अनुभव हुआ, सुदामा जी को अनुभव हुआ, ये हमको नहीं पता लगा और हम ऐसा सोचते हैं उनका बतावा गाया गया, उनकी हंसी उड़ी, लेकिन हंसी नहीं उड़ी, वो सारी की सारी हंसी किसकी उड़ी, भगवान की हंसी उड़ी। तो भगवान ये करते हुए आज जब कहा भरसी सिंजनहार करुणा कई कर ले मृदंग ताल, और भगवान से करुणा करके नरसिंह जी ने पुकार करी, ओ जियो ओ जियो गिरधारी नटवर नागरिया, ओ जियो गिरधारी नटवर नागरिया।
Yeah.
कुछ करे नक्सी में तासू पर करे हो नरसी में तासू पर करे नरसी में हर भक्ता ने दर्श दिखावन आज जी सावरा हर भक्ता ने दर्श दिखावन आज जी सावरा ओ जियो गिरधारी नटवर नागरिया ओ जियो गिरधारी नटवर नागरिया हरि नानी भाई भात भरण आजो जी पावरा हर नानी बाईना भात भरने आजो जी पावरा हर नानी बाईरो भात भरने आजो जी पावरा वसुदेव सुतम देवम कंस चारु मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः वंदे वृंदावनानंदां राधिकां परमेश्वरी गोपिकां परमां श्रेष्ठां लाडली शक्तिरूपिणी श्री विश्वानुकुमारी के पदबंधों कर जो जे निष्बा सरोर धरे गज बसी नंद किशोर बंदो राधा पद कमल अमल सकल सुखदान जिन परसन के हित रत लालाय राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी मेरे राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी मेरी राधा जुगल बिहारी वृंदावन बिहारी लाल की जय बेली सरकार की जय जुगल बिहारी सरकार की जय निकुंज बिहारी सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे
कल हमने भक्त नरसिंह मेहता की गाथा का पूर्वार्ध थोड़ा सा पाठ किया, उसके बारे में थोड़ा सा लिया, जहाँ पे नरसिंह मेहता की बड़ी मजाक उड़ाई गई, बहुत हंसी हुआ, बहुत अपमान हुआ। भगवान से बढ़कर भक्त का अपमान भगवान सहन नहीं करता। भगवान का अपराध हो जाए तो शायद भगवान माफी कर दे, लेकिन अगर भक्त का अपराध हो जाए तो भगवान माफ नहीं करते। शरणागत भक्त की चिंता सदा भगवान को होती है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। दिखता है भक्ति भक्त भगवंत और गुरु चार शरीर लिखते हैं, चार बपू दिखते हैं, लेकिन ये एक ही हैं। भगवत तत्व का अवरोध कराने वाला सद्गुरुदेव और भगवान की भक्ति और भगवान और उनका भक्त, ये चारों एक। इनमें अलग अलग गिनने में अलग हैं, लेकिन जो एनर्जी है, जो उसकी पॉजिटिविटी है, जो उसका तत्व है, वो एक है। क्या ये चारों के दर्शन से चारों की प्राप्ति हो जाएगी किसी एक को? जैसे एक टेबल होती, अब टेबल का आप अगर एक पाया सरकाओगे तीनों आ जाएगा कि नहीं? पूरा टेबल आ जाएगा। वैसे ये एक पाया आप किसी का भी पकड़ ले, चाहे सद्गुरुदेव का पकड़ ले, चाहे भगवान का पकड़ ले, चाहे किसी भक्त का पकड़ ले, या भक्ति करने लग जाए, एक साथ चारों पाए अपने को मिल जाती है। किसी भी भक्त के साथ देखिए, तपस्या करते हैं तो तपस्वी कहलाएंगे। अगर आप बड़े अच्छे गुण हैं तो आप सज्जन कहलाएंगे। कोई भक्ति करता है तो भक्त कहलाएगा। जो कुछ आप करेंगे, कोई गुणी है तो गुणवान कहलाएगा। लेकिन प्रेमी कहाँ से कहलाएगा ये बताइए आप? जो आप करेंगे उसके साथ धनी है, धनवान कहलाएगा। बल है, बलवान कहलाएगा। भक्ति है, भक्त कहलाएगा। प्रेमी कहां से कहलाएंगे? प्रेमी कहलाने के लिए, भक्त बनने के लिए सबसे बड़ा साधन है रसिकों का संग। बिना भक्ति के, भक्त के संग के हमारे अंदर वो प्रेरणा नहीं आएगी, प्रेरणा नहीं जगेगी। जब तक भक्त की गाथा बैठ करके वैसी भक्ति हम भी करें, ये प्रेरणा हमारे अंतरंग में नहीं जगेगी, तब तक भक्ति भीतर से पैदा। सुन लिए हमने भी 10 कथाएं सुनी है, हमने 5 सुनी है, हमने 20 सुनी है, हमने इतनी कथाएं कराई है, हमने इतनी कराई है, कुछ नहीं, पुण्य मिल जाएगा। अगर आप पुण्य करेंगे पुण्यवान हो जाएंगे, कथा करेंगे कथाकार हो जाएंगे। पर प्रेमी, भगवत प्रेमी बड़ा छोटा सा शब्द है, लेकिन आपने कभी इस पे विचार नहीं किया होगा कि भगवत प्रेम मिलता कहां से? मुझे बताइए, मैं उस बाजार में चली जाऊं, उस दुकान पे चली जाऊं, भगवत प्रेम कहीं मिलता है? बताइए, मैं आपसे बात कर रही हूं, संवाद है ये। भगवत प्रेम एक ही जगह मिलता है, जब भगवत प्रेमियों का संग हो। कबीर दास जी के साथ में एक सेठ आए और उन सेठ ने कहा कि कैसे हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो, आप हमारे पर दया करिए। तो कबीर दास जी ऐसे पानी इधर उधर कर रहे थे, तो उठा करके वो पानी उसको दे गए। बोले देखो, चमड़े के जूते का पानी दे दिया, मैं इतना उनके पास गया, कैसे संत है, मैंने भगवत प्रेम मांगा तो इन्होंने मेरे को पानी दे दिया। उन्होंने जाते जाते